हेलो फ्रेंड्स, उषा दी रसोई में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो देर किस बात की, चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा कप मोटा वाला रवा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून आटा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1/4 कप पानी ले लेंगे। अब पानी को माइल्ड हीट कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया है, इसे मिक्सर में डाल देंगे। पानी गर्म डाला है इसलिए इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हाथ से 2 मिनट गूंथ लेंगे। 2 मिनट से ज्यादा इसे गूंथने की जरूरत नहीं है। अब इसे 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आटे को एक बार फिर से गूंथ लेते हैं जिससे आटा चिकना हो जाए। आटे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं और इनके बॉल्स बना लेते हैं। सारे आटे के हमने बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके सारे बॉल्स की पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। पूड़ियों को बराबर और पतला बेलना है जिससे पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाए और कुरकुरी बने। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल करके इसे हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 पूड़ी डाल करके इसे हल्के से प्रेस करेंगे जिससे गोलगप्पा अच्छे से फूल जाए। अब इसे दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसी तरह सारे गोलगप्पे बना करके तैयार कर लेते हैं। तेल का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे।
गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। ठंडे होने के बाद इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं।